हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग। आज फिर से वीडियो जो स्टार्ट हुआ है वो हुआ है ट्रेन से, मुंबई की लोकल ट्रेन से। और मैं सबको बता दूँ, ये लोकल जा रही है वाशी में। ओके, ये लोकल जा रही है वाशी न्यू मुंबई। तो वीडियो में एंड तक बने रहे। बीच बीच में ये जाली आ रही थी क्योंकि मैं विंडो सीट पे बैठा था। विंडो सीट की जाली छोटी थी तो पॉसिबल नहीं हो रहा था कि मैं अच्छी तरह से वीडियो शूट करूं, इसलिए बीच बीच में थोड़ी जाली आ रही है। अब ये आ गया है सानपाड़ा स्टेशन। जो मुंबई से है उनको पता होगा ये सानपाड़ा स्टेशन कहाँ पे है। और देख लीजिए कितनी भीड़ है, दोपहर का टाइम है फिर भी भीड़ है। और आप सबको लग रहा होगा ये किधर घूम रहा है। मैं घूम नहीं रहा हूँ, मैं एक मीटिंग के लिए जा रहा हूँ अपने दोस्त के साथ, मतलब मेरे कलीग के साथ जा रहा हूँ एक मीटिंग पे। तो मैंने सोचा क्यों ना मैं एक छोटा सा व्लॉग शूट कर लूँ, तो इसलिए ये व्लॉग किया है। तो वीडियो एंड तक ज़रूर देखिएगा। अब सानपाड़ा से हम लोग आगे आ चुके हैं। बीच बीच की ये व्यूज़ है स्टेशंस के बीच के। अब ये कौन सा स्टेशन है जो आने वाला है आप ज़रूर पहचानिएगा। जो मुंबई से होगा वो ज़रूर पहचानेगा, जो मुंबई से नहीं है उनके लिए स्पेशल है ये, क्योंकि उन्होंने नहीं देखा होता है ना। चलो मैं ही बता दूँ, अब ये तुरभा स्टेशन है, तुरभे। और देख लीजिए स्टेशन कितना अच्छा है। और न्यू मुंबई की एक खास बात यह है कि ये बहुत साफ़ सुथरी रहती है, यहाँ लोग गंदगी नहीं करते हैं। तो बस मेरे वीडियो के माध्यम से मुझे आपको यही दिखाना था कि कितनी साफ़ सुथरी मुंबई है। फिर से हम लोग आगे चल पड़े हैं। ये स्टेशन्स छोटे छोटे हैं बट बहुत साफ़ सुथरे और प्यारे हैं। इन स्टेशन से रोज़ मिलना होता है, ये ट्रेन से, इन रास्तों से, इन बिल्डिंगों से। और आप इन वॉल को देखिए, स्टेशन के बाजू में ये जो वॉल है ना, ये पूरी की पूरी आपको पेंटेड दिखेगी। अरे ये बीच में और एक ट्रेन आ गई, ये फास्ट ट्रेन बीच में आ गई इसलिए थोड़ा डिस्टर्ब हो गया, बट कोई बात नहीं, ये ट्रेन चली गई है। फिर से और एक स्टेशन आ गया है। बीच बीच में ऐसे छोटे 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 स्टेशन आते रहेंगे। ये कोपर खेड़ा स्टेशन है और हमें तो जाना है भाई वाशी मीटिंग के लिए। और मीटिंग के साथ साथ मैंने सोचा ये वीडियो बना लूँ, आप सबके साथ शेयर कर लूँ, न्यू मुंबई के स्टेशन आपको सब दिखा दूँ। तो आप सब बताना कि आपको मुंबई के रास्ते, बिल्डिंग, स्टेशन, ट्रेन, सब सब कैसा लगा। ओके, फिर से ट्रेन आगे चल पड़ी है। और ये व्यू देखिए आप, दोपहर का है इसलिए थोड़ी भीड़ कम है, मतलब आप लोगों को तो भीड़ लग रही होगी बट हमको ज़्यादा भीड़ नहीं दिखाई दे रही है। फिर से और एक स्टेशन आ गया। ऐसे छोटे छोटे स्टेशंस बीच में आते रहेंगे। और अब हम लोगों को उतरना है वाशी स्टेशन। वाशी स्टेशन उतर के हमको पैदल चल के आगे जाना है, वहाँ पे हमारी एक छोटी सी मीटिंग है ऑफिस में, वो मीटिंग निपटा के हमको फिर और एक आगे एक मीटिंग है जो कि है थाना में। ओके, तो ये देखिए मुंबई की लोकल ट्रेन चली गई वहाँ से। अब हम फिर से यहाँ से आगे निकल पड़े हैं और ऐसे छोटे छोटे स्टेशन को लेते लेते हम आगे बढ़ रहे हैं। और ये स्टेशन छोड़ दिया पीछे। अब हमारा डेस्टिनेशन बहुत नज़दीक है, हमको उतरना है। अब हम लोग उतरेंगे स्टेशन पे और उसके बाद हमको जाना है फिर से थाना। तो आप वीडियो एंड तक ज़रूर देखना, आपको थाना का भी व्यू दिखाऊंगा मैं। मतलब जो न्यू होगा उनके लिए तो सब न्यू ही होगा, बट जिन्होंने देखा होगा उनके लिए कुछ नया नहीं होगा। और वाशी में मीटिंग ख़त्म हो चुकी है और हम अभी वीडियो में आ गए हैं फिर से। ये है थाना, तो थाना के रास्ते देख लीजिए आप। और ये आप बताइए, अगर मुंबई से होंगे तो ये रास्ता कहाँ का है। चलो मैं आपको बता दूँ, ये जो रास्ता है ये है आयशर आईटी पार्क। आयशर आईटी पार्क थाना का बहुत फेमस एरिया है, यहाँ पे बहुत बड़ा आईटी पार्क है। यहाँ के भी रास्ते वगैरह देखिए आप, डिसिप्लिन देखिए, बहुत साफ सुथरे रखते मुंबई को। और सूरज नीचे आ गया है, शाम ढलने को है। ये है आयशर आईटी पार्क। हमारी दोनों मीटिंग अच्छी तरह से हो चुकी है और अब हम लोग निकले हैं थाना स्टेशन की ओर। हम लोगों ने यहाँ से कर लिया है ऑटो, डायरेक्ट ऑटो। यहाँ पे मीटर ऑटो होता है,
फिर से देख लीजिए ये वॉल पेंटिंग कितनी प्यारी लग रही है। क्या आपके यहाँ भी ऐसी वॉल पेंटिंग की जाती है? देखो अलग अलग तरह की पेंटिंग की है वॉल पे, ताकि जिससे अच्छा भी लगे और लोग अच्छी वॉल देख के गंदगी भी नहीं करते, तो एक अच्छा तरीका है। तो अगर आपकी यहाँ की वॉल पेंट नहीं है तो आप भी ऐसी तरह से पेंट करवाइए। तो दोस्तों अब हमारा थाना स्टेशन बहुत नज़दीक आ गया है, ये देखो फ्लाईओवर है। अब हम लोग नीचे उतर जाएंगे ऑटो में से और 2 मिनट की दूरी पर अब थाना स्टेशन है और ये हम लोग उतर चुके हैं थाना स्टेशन। हम लोगों की वार्षिकी और थाना की दोनों मीटिंग सक्सेसफुल रही है अब। और ये देखिए थाना स्टेशन में रेलवे इंजन खड़ा है यहाँ पे लेफ्ट में, और आगे ही बिल्कुल थाना स्टेशन है। तो इस तरह से ये छोटा सा वीडियो बनाया था जर्नी का, कैसा लगा आप जरूर बताना। लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक यू।